वन वेलकम बैक टू द चैनल आई होप्स आप सब लोग हैप्पी हैं खुश हैं एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग राइट सो लास्ट वीडियोज़ में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द एप्टीट्यूड पार्ट सो इस वीडियो में भी हम लोग यू सीट का ही एप्टीट्यूड पार्ट डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने सीट का टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पेपर डिस्कस किया था एंड इन दिस वीडियो हम यू सीड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पेपर डिस्कस करेंगे और हम लोग नेलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि नेट एम एस क्यू एंड एम सी क्यू में सबसे ईजी पोर्सन कौन सा होता है डेट इज़ द एम सी क्यू और नेट इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट एज़ कंपेयर टू इन तीनों में राइट सो टाइम टेकिंग प्रोसेस जो होता है हमारा वो न्यूमेरिकल टाइप वाला होता है इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट एम सी क्यू ईजी रहता है सबसे पहले पेपर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे देन एम एस क्यू सॉल्व करेंगे देन उसके बाद इन द ब्लैंक्स करेंगे ओके okay? आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द 2022 थाउजेंड पेपर आज की वीडियोज़ में हम लोग मेनली ये डिस्कस भी साथ में करेंगे वट द डिफरेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन उसमें कैसे पूछा जा रहा है उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं द शॉर्ट ट्रिक्स उसमें हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं वट द विजुअल मैथर्ड्स व कौन कौन से फॉर्मूला है जो हम लोग को रिमाइंड करना है या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जोमेट्री की मैथ की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉजिकल क्या है कितना विजुअल होना चाहिए छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं सेवन्थ एट नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास में या जर्नल अपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं करा हुआ है हमने तो उस पर क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा है वो हम इसको एनालाइज करेंगे सो क्वेश्चन आर इजी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि लास्ट ईयर्स के सारे पेपर्स को सॉल्व करिए आप लोग एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज़ करिए आपको ये फील आएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आर रिपीटिंग क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटिंग अगर उन्होंने ओपन एंड क्लोज क्यूब पूछा है तो मल्टीपल टाइम पूछते हैं गियर मल्टीपल टाइम पूछा जाएगा आपसे बेस्ड ऑन दी स्ट्रॉ कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम पूछेगा फिजिक्स का कोई रूल है वो मल्टी मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है सो प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटिंग ईयर बाय ईयर चाहे वो यू सीड हो और सीड हो दे ऑलवेज रिपीट द प्रॉपर्टीज़ सो इस पेपर में हम ये भी एनालाइज़ करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं कि नहीं जो हम लोग लास्ट ईयर के पेपर्स से एनालाइज किया है बट डू योर होमवर्क ऑल्सो कि आप लोग भी लास्ट ईयर पेपर दिसंबर में कंप्लीट कर दीजिए फॉर सीड एंड यू सीड सारे लास्ट ईयर पेपर्स को अटैम्प्ट एनालाइज करिए सॉल्व करिए एंड लर्न करिए सो दैट जनवरी में आप अपनी स्पीड मेंटेन करें इट्स वेरी इजी बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको ओके okay? एंड इस वीडियो में आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज़ स्टॉप करके क्वेश्चन को अपने आप पहले ट्राई करिए टू मिनट्स देन वीडियो को प्ले करिए सो दैट आप भी अपना माइंड थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे कि क्वेश्चन का प्रॉपर्टी आप समझ पा रहे हो वेदर यू आर गेटिंग द क्वेश्चन और नॉट वट डे आर आस्किंग वट आर द अप्रोच सो आप भी थोड़ा सा माइंड वर्क करोगे जिससे लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी सो प्लीज़ स्टॉप एंड प्ले वीडियो के साथ करते रहिएगा ताकि आप भी एनालाइज करते रहो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर वन अ सॉलिड पिरामिड हैज़ अ ट्राइंगर कट आउट डेट पास थ्रू एस ऑन द फिगर हाउ मेनी सरफेस इन द रिजल्टेंट सॉलिड सो एक हमारे पास सॉलिड पिरामिड है जो कि स्क्वायर बेस का है डैट मीन्स जैसे हम लोग का टेम्पल होता है और उसका बेस कैसा है स्क्वायर है अगर हम लोग थ्री में इसको ड्रॉ करें सो इट विल बी लुक लाइक थोड़ा सा आपका ऐसा रहेगा कि आपका ये टॉप आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द पिरामिड जो चारों तरफ से कैसा है स्क्वायर शेप में तो फोर ट्राइंगल से मिलके वो पिरामिड बनेगा राइट अब इन ट्राइंगल में इन्होंने यहाँ पर आपको बोला गया है कि ट्राइंगर कट है जो कि इनसाइड कनेक्ट हो रहा है ट्राइंगर कट है जो इनसाइड कनेक्ट हो रहा है तो हाउ मेनी टोटल सरफेस इन द रिजल्टेंट फिगर वी हैव सो तो अगर मैं साइड व्यू में थोड़ा सा यहीं पर ड्रॉ करें ऐसे सॉलिड फिगर आएगा ट्रैंगुलर प्रिज्म को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कैसे कनेक्ट होगा ट्रायंगुलर प्रिज्म अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म यहाँ पे आएगा ऐसे जिसका ये बेस ऐसे कनेक्ट होगा इन द सेम वे इधर से राइट दैट मीन्स अगर आप इसका टॉप व्यू एनालाइज करेंगे सिर्फ ट्रायंगुलर पिरामिड जो अंदर से कनेक्ट हो रहा है ये ब्लैक वाला पार्ट अगर इसको आप टॉप व्यू एनालाइज करेंगे टॉप से आपको ऐसा दिखेगा राइट right. और इसका जो ट्रायंगलर पार्ट है वो ऐसे कनेक्ट होंगे ऊपर सो दिस विल बी द टॉप व्यू ऑफ़ द ट्रेंगुलर प्रिज्म अगर आप इसको एनालाइज़ कर रहे हैं सो दिस इज़ अ टॉप व्यू ऑफ द ट्रैंगर ये सेम वैसे ही दिखेगा जैसे अगर आप लोग ने कभी कंस्ट्रक्शन टाइम पे या ऐसे सिलेंडर्स को कनेक्ट करते हैं अगर मैं टू सिलेंडर्स को कनेक्ट करूँ परपेंडिकुलरली पेंडिकुलरली वी कनेक्ट टू सिलेंडर्स परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सो वो कैसा कनेक्ट होगा वहाँ पर विद द होल राइट वो एज अ होल पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा लाइक like दिस आपने देखा भी होगा सो सेम प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा हमारा इन दिस ऑल्सो सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो हाउ मेनी टोटल सरफेस इन दिस वो हम एनालाइज करना है नाउ काउंट करते हैं सो हाउ मेनी सरफेस बॉटम में वन फ्रंट टू थ्री बैक फोर फाइव फाइव सर्फेस देयर नाउ इन साइड द ट्राइंगल इन साइड ट्राएंगल जब आप एनालाइज करेंगे होल में सो so, जो बेस है जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया बेस ये बेस हमें एज अ प्लस साइन दिखेगा जो कंप्लीट सिंगल सरफेस होगा बॉटम पर राइट right? बेस में हमारा सिंगल सरफेस आएगा एज अ बॉटम जब आप बेस को एनालाइज करेंगे तो इट विल बी द सिंगल सरफेस वन सो दिस विल बी द सिक्स सरफेस यहाँ पे आएगा सेवन साइड में एट इसका नाइन कॉर्नर टेन इन द सेम वे यहाँ पे इलेवन यहाँ पे ट्वेल्व दिस इज थर्टीन एंड दिस विल फोर्टीन सो so, ये वॉल अलग होगी कॉर्नर अलग होगा दिस सेपरेट ये सेपरेट बट जो अटैच होगा तीनों ट्राइंगर अटैच होंगे बेस में वहाँ पर सिंगल सरफेस आएगा सो टोटल फोर्टीन सरफेसेज इज देयर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर जब हम इसको कनेक्ट करेंगे राइट टू दिस विल लुक लाइक दिस अंदर से सो बेस वन टू थ्री फोर फाइव दिस वन सिक्स प्लस साइन जो बनेगा यहाँ पर एज एज इट इज ऐसे प्लस साइन बनेगा अंदर होल में ऐसे बनेगा प्लस साइन दिस इज सिक्सथ देन सेवंथ इस लेयर पे सेवेंथ आएगा साइड में ट्रा और यहाँ पे एट दिस इज नाइन्थ यहाँ पे टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो यहाँ से हमारा दिस द आंसर इज़ द फोटीन

परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जो हमारा फ्रेम किया गया है दिस चैप्टर इज़ फ्रेम टू फाइंड आउट द टोटल आउटकम फॉर एनी केस टोटल आउटकम टोटल आउटकम फॉर एनी केस एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मान लीजिए एक हाउस ए है ए है और बी घर है ए से बी के घर जाने के कितने रास्ते हैं तीन रास्ते हैं और बी से सी के घर जाने के चार रास्ते हैं राइट सो मेरा क्वेश्चन एंड हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्राम ए टू सी इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम हाउस ए टू हाउस सी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थ्री इंटू फोर ट्वेल्व वेज हाउ मेनी वेज ट्वेल्व वेज क्योंकि आप चेक भी करेंगे तो यहाँ पे तीन रास्ते हैं अगर मैं फर्स्ट रोड से गया तो मेरे पास आगे चार ऑप्शन सेकेंड रोड से गया तो चार ऑप्शन थर्ड रोड से गया तो भी तो एवरी थ्री रोड हैव अ फोर ऑप्शन तो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व इज द आंसर सो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं उस पॉइंट पे खड़े हो मेरी लाइफ में कितने ऑप्शनस हैं उतना हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे डैट मीन्स ए पे वेन वी स्टैंड ऑन ए हाउ मेनी ऑप्शन्स वी हैव टू मूव अहेड वी हैव अ फोर ऑप्शंस तो फोर अब मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया तो पॉइंट एट वन मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पे खड़े होके हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव इन माय लाइफ मेरे पास चार ऑप्शंस हैं यहाँ पर आगे बढ़ने के तो इनटू टू फोर अब हम सेकंड पॉइंट पे आ गए पॉइंट सेकेंड पर आगे मान ले वैन वी आर कमिंग टू द पॉइंट सेकेंड वहाँ से आगे बढ़ने के मेरे पास लाइफ में कितने ऑप्शन हैं ओनली टू ऑप्शंस सो इन टू किसी और पॉइंट में हम पहुँच गए वहाँ से आगे बढ़ने कितने ऑप्शन्स हैं वन ऑप्शन वैन वी मल्टीप्लाई दिस सो फोर इंटू फोर इंटू टू दैट इज़ दिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू सो हाउ मनी टोटल ऑप्शन वी आर गेटिंग वी आर गेटिंग टोटल थर्टी टू ऑप्शन्स फ्राम ए टू बी वी हैव अ टोटल थर्टी टू पॉसिबिलिटीज टू गो आंसर इज थर्टी तो जस्ट हमें पॉइंट में जिस पॉइंट पे हम स्टैंड कर रहे हैं उस पॉइंट से फ्रंट मूव करने के हमारे पास टोटल कितने ऑप्शनस हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर अगर बाई चांस में पॉइंट ए से जब हम आगे मूव करेंगे वेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू अड और मैं फर्स्ट पॉइंट पर नहीं गया आई गोन्केंड पॉइंट इस पॉइंट पर आए मान लीजिए तो so, इस पॉइंट तब आंसर अलग हो जाएगा नहीं तब भी सेम क्योंकि आगे बढ़ने के देखिए यहाँ पर भी कितने ऑप्शंस हैं चार मान लीजिए आप यहाँ पर आए तो भी चार कहीं पर भी आप जाओगे आगे बढ़ने के हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं टोटल फोर ऑप्शंस हैं सो डैट मीन्स ए पे स्टैंड करके हमारे पास कितने ऑप्शंस फोर मल्टीप्लाई इनमें से किसी एक पे भी आप आ जाओ उसके आगे मूव करने के कितने ऑप्शन हैं अगेन आगे फोर ऑप्शन्स हैं सो इन टू फोर उसके आगे मूव करने के टू ऑप्शंस तो इन टू उसके आगे इंटू वन सो एंसर इज टोटल थर्टी टू वेज वी कैन गो फ्रॉम ए टू बी क्वेश्चन नंबर थ्री जस्ट हमें डी कोड करना है मेरे को जैसे ही इसमें क्वेश्चन मेरे को ये एनालाइज हुआ कि ये अल्फ़ाबेट इन दोनों को ऐड करके फाइनल रिजल्ट बन रहा है तो हम किस फॉर्म में ऐड कर रहे हैं वो हमें चेकआउट करना है तो जैसे ही एनालाइज थोड़ा सा मैं विजुलाइज़ करा आपने आपने भी किया तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर ये और ये बन के कुछ टी जैसा दिख रहा है सेम यहाँ पर भी टी जैसा बन रहा है टी जैसा बन रहा है सो डैट मीन्स अल्फाबेट को मर्ज किया जा रहा है फर्स्ट नंबर्स को और सेकेंड नंबर के अल्फाबेट्स को मर्ज करके हम लोग वर्ड बना रहे हैं बट कैसे मर्ज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज क्योंकि मुझे टी बनाना है इसको अब इसको टी कैसे बनेगा ऑलरेडी मुझे ये फर्स्ट फिगर में दिया है तो सेकंड फिगर का मिरर इमेज करेंगे और उसके साथ मर्ज कर देंगे तो आई विल गेट द टी तो फर्स्ट ऑप्शन का हमें क्या फर्स्ट लाइन में हमें क्या करना है मिरर इमेज करेंगे वी विल डू द मिरर इमेज मिरर इमेज ऑफ द सेकेंड फिगर और उसको फर्स्ट फिगर के साथ हम मर्ज कर देंगे सो वी विल गेट यहाँ पे टी आ जाएगा ये इसके साथ मर्ज होगा मिरर इमेज होकर सो so, आर आ जाएगा और ये इसके साथ मर्ज होगा मिरर इमेज होगा मिरर इमेज तो ए डैट्स वाई आर्ट बन गया डैट मीन्स मिरर इमेज करके हमें मर्ज करना है सो मिरर इमेज मर्ज हो रहा है और रिवर्स में मिरर इमेज मर्ज सो ये इसके साथ मिरर इमेज बनेगा दिस विल मेक हेयर दिस विल मेक हेयर मैंने आपको मार्किंग कर दिया कौन किसके साथ मिरर इमेज बन के मर्ज होना है जब इसका मर्जिंग करें चेकआउट द अल्फाबेट अब अल्फाबेट चेकआउट करते हैं इसका मर्ज होकर इट विल गिव आपको यहाँ पे अगर देखेंगे एनालाइज करेंगे सो मिरर इमेज फाइव आ जाएगा इट विल गिव सेवन ये इसमें मर्ज करेंगे तो इट विल गिव यहाँ पे ऐसे आया सो इट विल गिव अ फीलिंग ऑफ नाइन फिर ये इस पर मर्ज होगा सो इट विल गिव अ फीलिंग ऑफ से आएगा सो इट विल बी सिक्स इसको मर्ज करेंगे सो इट विल बी एट तो आंसर विल बी एट थ्री सिक्स नाइन सेवन फाइव आई होप आप सबको क्लियर हो गया कैसे मर्ज हो रहा है एक बार आप बैक जाके दोबारा ट्राई कर सकते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हम क्वेश्चन नंबर फोर में हमें जस्ट अरेंज करनी है बुक को सो दैट द जो हमारा पजल्ड फिगर है वो कंप्लीट हो जाए पजल्ड फिगर हमारा प्रॉपर वे में आ जाए तो पजल फिगर को डैट मीन्स अरेंजमेंट करना है नंबरिंग प्रॉपर वे में सो so, जस्ट इसकी एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग uh, पॉइंट हमें देखना होता है कि कौन किसके साथ मर्ज हो सकता है जैसे आप लोग करते भी थे पजल वाले क्वेश्चंस बचपन में भी आप करते थे अभी भी खेलते हैं मैप पजलिंग करते हैं फेस का पजल आता है पिक्चर्स तो हम पजल्स को मैच करके एक फिगर मैप और एनी फेस और एनी एक्टर हम फ्रेम करते हैं सेम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करनी है सो इफ आई मैच विद द सिक्स अगर मैं सिक्स से देखूँ इफ़ आई स्टार्ट विद द सिक्स तो अगर मैंने सिक्स को रखा तो सिक्स के लेफ्ट में एक कर्व चाहिए सर्कल यहाँ पे कर्व चाहिए जो कि मैच कर रहा है हमारा फाइव से आई थिंक राइट आई होप क्लियर है फाइव से मैच कर रहा है फाइव से मैच कर रहा है और सिक्स के राइट साइड लेफ्ट साइड देखेंगे तो अगेन एक सर्कल कंप्लीट चाहिए जो कि मैच कर रहा है एट के पार्ट से देखिए यहाँ पे एट में सर्कल आ रहा है ये यह सर्कल यहाँ पे एट वाला कम मर्ज करेगा यहाँ पर राइट right, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एट तो एट का लेफ्ट हो गया अब एट का राइट देखें एट का राइट हो गया लेफ्ट साइड देखें सॉरी एट के लेफ्ट साइड में सेमी सर्कल डॉटेड लाइन से जो है और रिवर जो है वो हमें कंप्लीट करनी है तो एट का जो लेफ़्ट रिवर आपका कनेक्ट हो रहा है वो आपका कनेक्ट होगा डैश लाइन ये डैश लाइन एंड रिवर सो डैट इज़ कनेक्टेड विद द नाइन्थ वन तो एट के लेफ्ट नाइन्थ का लेफ्ट अगर कनेक्ट करें तो अगेन ये डैश लाइन कंटिन्यू में चाहिए जो कि कनेक्ट होगी आपकी डैश से आप कर सकते हैं और रिवर से मैच कर सकते हैं तो ये एनालाइज करें अगर हम लोग सो इट विल कनेक्ट विद द वन इट इज़ कमिंग विद द वन पार्ट इसमें जस्ट आपको पजल करना मैचिंग करना है पजल को मैच करना है टू मेक द कम्प्लीट फिगर इसमें और कोई शॉर्ट ट्रिक और समथिंग योर नहींजुलाइजेशन राइट जैसे अगर हम लोग को दिख रहा है जैसे यहाँ पर ट्री है जैसे आपको, जैसे आपको दिख रहा है कि ये इनकम्प्लीट ट्री है थ्री में अब ये थ्री का जो इनकम्प्लीट ट्री है थ्री का वो कम्प्लीट करने के लिए ट्री का मर्ज होना चाहिए किसी ट्री के साथ और वह ट्री का पार्ट कहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज़ अ इनकम्प्लीट हम हंड्रेड परसेंट श्योर कि थ्री किस में कनेक्ट होगा फाइव के लेफ्ट तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा राइट right. तो वन से पहले अब कौन कनेक्ट होगा वन से पहले कौन कनेक्ट होगा वन के पहले आप अगर एनालाइज करेंगे रिवर को तो वन से पहले कनेक्ट होगा टू बिकॉज वन में आप देखेंगे रिवर का और ये जो कम्प्लीटनेस है ये लाइन यहाँ पर मर्ज होगी और वो आपका कंटिन्यू रिवर का भी दे देगा राइट right? तो वन में टू कनेक्ट होगा देन बिफोर वन कौन कनेक्ट होगा टूस हो गया टू के पहले कौन कनेक्ट होगा फिर फोर कनेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दी माउंटेन्स एंड फोर के पहले कौन कनेक्ट होगा सेवन्थ कनेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट और ये तो मैंने आपको रैंडम ऐसे अरेंज कर दिया अगर आप फिगर को एनालाइज करेंगे तो इन द फिगर नाउ यू आर गेटिंग और एक और चीज़ें हैं स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे ये डिसाइडेड है कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एंड दिस इज द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द लास्ट क्यों बिकॉज यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे रेड बॉर्डर तो बॉर्डर के अकॉर्डिंग भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि दैट मीन्स सेवंथ इज द स्टार्टिंग एंड फिगर थर्ड इज द एंडिंग उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यूएशन वी कैन डू द फ्रेमवर्क तो सेवन फोर टू वन नाइन एट सिक्स फाइव ये हम इंटर कर देंगे दिस इज द आंसर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर कंप्यूटर और यू कैन से एज अ फ्लो चार्ट फर्स्ट सेंटेंस इज एक्स द वैल्यू ऑफ द एक्स इज वन एंड वैल्यू ऑफ वाई इज टू सेकेंड स्टेप्स रिप्लेस एक्स बाई मल्टीप्लाइंग एक्स विद वाई नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स बिकम एक्स इंटू वाई मीन्स वन इंटू टू दैट इज टू थर्ड स्टेप्स इज रिप्लेस वाई बाई वाई प्लस वन दैट मीन्स वाई में हम वाई प्लस वन करेंगे तो ट्वेल्व बिकम नाउ थ्री स्टेप फोर से इज वाईज टू फाइव देन गो स्टेप सिक्स अगर वाई की वैल्यू फाइव है तो हम स्टेप सिक्स पे जाएंगे अदरवाइज स्टेप फाइव सो स्टिल द वाई इज थ्री तो वी गो टू स्टेप फाइव स्टेप फाइव मीन्स गो टू स्टेप टू सो वी गो टू स्टेप टू नाउ अगेन द सेम प्रोसेस रिप्लेस एक्स बाय मल्टीप्लाइंग एक्स विद वाई सो नाउ एक्स इज टू एंड वाई इज थ्री तो व्हेन एक्स इंटू थ्री बिकम्स एक्स इंटू थ्री बिकम्स सिक्स स्टेप फोर नेक्स्ट स्टेप स्टेप अगेन वाई इंक्रीज बाई वन It becomes 4. Now again y is not become 5. So again replace step number 2. Again multiply x with y. Now the x and y become 4 and 6. So next value will be x into y become 24. And y got increased by 1, so it will become 5. Then step 4 says if y become 5, so yes, now y become 5.

डू द एक प्रोसेस और जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है प्रोग्राम एंड हो जाता है तो सेम इज अट्रेशन मैथड क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स इज बेस्ड ऑन द एनिमेटेड ऑलरेडी मैंने आपको पहले वीडियोज में डिस्कस किया है जी आई एफ मीन्स ये वीडियो मूव करते रहते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट और वीडियो टेन सेकंड ट्वेंटी सेकेंड के वीडियोज की बेसिस पर हमें आंसर बताना होता है जो कि अभी हम नहीं बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन बेस्ड ऑन द एरिया नाउ इन द एरिया चैप्टर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एक हमेशा याद रखना है इक्विलेट्रल ट्राएंगल आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो बट आपको इक्विलेट्रल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना ही है इक्विलेट्रल ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी दैट ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड एंगल इज थ्री सिक्सटी एंगल इज सिक्सटी डिग्री इफ द लेंथ इज ए देन वी हैव अ टू फॉमूला एंड हाइट इज एच तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राएंगल इज रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर एंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटल ट्राएंगल इज रूट थ्री बाई टू इन टू ए नाइन्थ क्लास में हम लोग ने याद किया था एरिया ऑफ इक्विलेटल ट्राएंगल एंड हाइट ऑफ द इक्विलेटल ट्राएंगल नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेंट्राइड ऑफ द इक्विलेटल ट्राएंगल इज ऑलवेज ऑन दन थर्ड फ्रॉम द पॉइंट और टू बाई थर्ड फ्रॉम द पॉइंट मीन्स सेंट्राइड हमारा बॉडी कहाँ पर होगा इस लाइन के टूवर्ड्स मतलब सेंटर थोड़ा सा यहाँ से दूर होगा दूर होगा डैट मीन्स टू बाई थ्री ऑफ एच और इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वन बाई थ्री ऑफ एच राइट तो सेंट्राइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं अगर वर्टिस के थ्रू देखेंगे तो डैट इज टू बाई थ्री ऑफ हाइट और सरफेस की तरफ से देखेंगे देन इट विल बी वन बाई थ्री ऑफ हाइट ओके अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बिकॉज नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखना है इक्वीलेट्रल ट्राइंगल and any circle touching the triangle then the center of the circle and centroid is same center and centroid is same same property here any triangle or circle outside circle and center and centroid is always same so circle and centroid फॉर द इक्विलेटरल ट्राएंगल एंड द सर्कल टचिंग द इक्विलेटरल ट्राइंगल जो सर्कल और सेंट्रॉइड सेम होता है उससे मुझे क्या मिल जाएगा उसका रेडियस मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा देखिए यहाँ से मुझे वन बाई थ्री ऑफ एच करेंगे वन बाई थ्री ऑफ एच और जो किसके इक्वल हो जाएगा रेडियस के इक्वल हो जाएगा तो दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी हेल्पफुल ये प्रॉपर्टी अगर आप जो पी स्टूडेंट हैं उनको क्लियर है तो अगर आप नॉन पी स्टूडेंट्स हैं आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ज्यादा इस पर एफर्ट मत करिए अगर आपको लगता है यू कैन डू इट तो इस इस चीज को थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए और ये मैंने आपको बता दिया कि हमें कौन सी चीज आनी चाहिए अबाउट इक्विलेटरल प्रॉपर्टी इक्वीलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मुला एंड रिलेशन विद द सर्कल आई होप यहां तक क्लियर है नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन वेन कमिंग टू द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन इट सेज एक लाइन ड्रॉ करते हैं राइट एस क्यू इज इक्वस टू क्यू आर एस क्यू इजिक्वस टू क्यू आर इजिक्वल टू आर एस इजिक्वल टू एस पी इजिक्वस टू पी क्यू मीन्स ऑल लाइन्स आर इक्वल ऑल लाइन्स आर इक्वल एंड टोटल लेंथ इज टोटल लेंथ इज ट्वेंटी वन यूनिट टोटल लेंथ इज ट्वेंटी वन यूनिट राइट सो टोटल लेंथ इज ट्वेंटी वन यूनिट तो मैं इस सर्कल को सेपरेट कर लूँ हम सबको ये दिख रहा है फाइन द एरिया ऑफ द ब्लैक पोस्टर हमें ये पता है सबको विजुलाइज हो गया कि ये यहाँ कवर अप हो जाएगा और ये यहाँ पे कवर अप हो जाएगा जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल जैसे ही अगर मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल मिला वी विल गेट द आंसर सो अगर मैं सिंगल सर्कल ड्रा करूँ वी विल ड्रॉ द सिंगल सर्कल मैंने क्यू एस ड्रा किया एंड आर ड्रा किया वी ड्रॉ द आर राइट एंड वी नो ऑल दिस थ्री आर इक्वल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है राइट तो दिस इज अक्वीलेटल ट्राएंगल सेम प्रॉपर्टी जो भी वी आर डिस्कसिंग थोड़ा सा फाइव मिनट्स बिफोर सो इन इक्वीलेटल ट्राएंगल इन डायरेक्टली द हाइट इज गिवेन टोटल लेंथ इज ट्वेंटी वन सो वट इज द हाईट दिस हाइट विल भी द ट्वेंटी वन बाय टू इलेवन पॉइंट फाइव ट्वेंटी वन बाई टू so what will the centroid of the triangle what will the centroid of the triangle equilateral triangle centroid of the equilateral triangle is centroid of the from the vertex if i now want to 2 by 3 of h and h is 21 by 2 so centroid is 2 by 3 into 21 by 2 so that is 7 so this length the radius we are getting here 7. What is the radius? Radius we are getting here as is 7. So now what is the area of the circle? Now find out the area of the circle. Area of the circle is pi r square and the value of pi is 22 by 7 into r square right. So we multiplying 7 to the 14, 4, 1, 14, 15, the so, answer is 154. सो द आंसर इज़ वन फिफ्टी फोर एरिया ऑफ द ब्लैक पोस्टन इज आंसर इज़ वन फिफ्टी फोर आंसर इज़ वन फिफ्टी फोर अब कुछ बच्चों ने अगर इसमें आंसर एंटर कर दिया वन फिफ्टी थ्री पॉइंट नाइन तो भी सही है क्योंकि ऑप्शन में आपको रेंज देते हैं वन फिफ्टी थ्री पॉइंट नाइन वन फिफ्टी फोर पॉइंट वन वन फिफ्टी फोर तो आपने अगर वन फिफ्टी फोर से रिलेटेड एंटर किया यू विल गेट द फुल मार्क्स आई होप क्लियर हो गया हाउ यू आर गेटिंग द आंसर वन फिफ्टी फोर बाई इक्वीलेट्रल ट्राइंगल प्रॉपर्टी सो यू कैन रीचेक द वीडियो ऑल्सो राइट क्वेश्चन नंबर एट अगेन बेस्ड ऑन द एरिया कॉन्सेप्ट एंड इस क्वेश्चन को हम वी कैन डिवाइड इट इन द विजुअल फॉर्म यहाँ पे कोई वैल्यू या लेंथ गिवन नहीं है एंड वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द विजुअली फॉर्म नाउ आई आई एम डिवाइडिंग द वी डिवाइडेड द स्क्वायर इंटू एट इक्वल पार्ट्स राइट और आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट दिस ए पोर्सन ऑफ एरिया इज कवरिंग द सेम एरिया दिस कवरिंग हियर द सेम एरिया दिस पॉइंट्स कवर द सेम एरिया हियर, मीन्स इज कवरिंग द सेम एरिया एंड दिस कवर द सेम एरिया हियर, दिस इज सेम सो दैट मीन्स एक स्क्वायर में अगर हमने एट पार्ट्स में डिवाइड किया एट पार्ट्स में व्हेन वी डिवाइडेड द एरिया सो टोटल टू टू पार्ट्स हमारा सेडेड है टू पार्ट्स इज सेडेड सो हाउ मच फ्रैक्शन इज सेडिंग सेडेड टू पार्ट्स आउट ऑफ एट डेट इज वन बाई फोर और इन द डेसिमल इट इज़ पॉइंट टू फाइव तो आंसर इज़ वन बाई फोर और अगर आपको एंटर करना है इज़ पॉइंट टू फाइव इन द डेसिमल राइट आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन कमिंग टू है क्वेश्चन नंबर नाइन अ टोटल टू हंड्रेड परसन आर सर्वेड फॉर न्यूज पेपर रीड्स इट वॉज फाउंड डैट हंड्रेड पीपल रीड पब्लिकेशन एक्स हंड्रेड दिस इज द बेस्ड ऑन वेन डायग्राम प्रॉपर्टी राइट ये क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है अबाउट द वेन डायग्राम प्रॉपर्टी एंड वन ट्वेंटी पीपल रीड वाई वन ट्वेंटी पीपल रीड वाई मीन्स टोटल वन ट्वेंटी नॉट ओनली वाई नहीं ओनली वाई अलग चीज होता है वन ट्वेंटी वाई रीड कर रहे हैं मीन्स एक्स इंक्लूड हो भी सकता है उसमें ओनली वाई नहीं लिखा हुआ है टोटल वाई एंड फिफ्टी पीपल डू नॉट रीड द इधर एक्स वाई मीन्स टू हंड्रेड में से फिफ्टी परसेंस कुछ भी रीड आउट नहीं कर रहे हैं तो कितने पेपर रीड आउट कर रहे हैं वन फिफ्टी परसेंस आर रीडिंग द न्यूज पेपर इफ्टी परसेंस आर रीडिंग न्यूज पेपर राइट वन फिफ्टी आर रीडिंग न्यूज पेपर इन विच हंड्रेड परसेंस आर रीडिंग एक्स एंड वन ट्वेंटी परसेंस आर रीडिंग वाई मीन्स सम परसन्स आर रीडिंग बोथ एक्स एंड वाई और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन दोनों को ऐड करके एक्स एंड वाई को जैसे ही आप एड करोगे तो वट विल बी द वैल्यू आई एम गेटिंग हंड्रेड प्लस वन ट्वेंटी दैट इज टू हंड्रेड ट्वेंटी मीन्स हाउ मच एक्स्ट्रा पर्सनस इज देयर सेवेंटी परसेंस वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा टोटल वन फिफ्टी पर्सन जो न्यूज पेपर रीडिंग कर रहे हैं उसमें से मुझे सेवेंटी पर्सेंट्स एक्स्ट्रा मिले तब जाके टू ट्वेंटी वैल्यू बनेगी राइट सो सेवेंटी पर्सेंट्स आर हियर अब हम वेन डायग्राम कंप्लीट करते हैं अगर सेवेंटी पर्सेंट बोथ एक्स एंड वाई पढ़ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन स्टडी ओनली एक्स डैट इज थर्टी तभी तो हंड्रेड बनेगा एंड हाउ पर्सेंस स्टडी ओनली वाई वन में से फिफ्टी नाउ द क्वेश्चन आस्किंग हाउ मेनी पीपल रीड इधर पब्लीकेसन एक्स और पब्लीकेसन वाई बट नॉट बोथ हाउ मैनी पीपल आर रीडिंग ओनली एक्स एंड ओनली वाई नॉट बोथ तो ओनली एक्स एंड ओनली वाई मीन्स थर्टी एंड फिफ्टी डैट इज इट इज द एंसर एटी परसेंस आर रीडिंग ओनली एक्स और ओनली वाई नॉट बोथ बोथ वाले कितने परसेंट्स हैं सेवेंटी परसेंट्स आर रीडिंग बोथ सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ़ द वेन डायग्राम जो कि इजी क्वेश्चन होता है इट्स वेरी इजी प्रॉपर्टी रीजनिंग में भी हम पढ़ते हैं इसे और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइट कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर टेन अगेन सेम इजी पार्ट है सेवन लेटर्स को अरेंज किया गया है प्रॉपर फॉर्म में लिखा गया है सेवन लेटर्स एंड उनके पर्जल पार्ट कट करके उनके पर्जल सेंटेंस को डाउनवर्ड में लिख दिया गया है तो फर्स्ट लेटर कौन सा पर्जल पार्ट है सेकेंड लेटर कौन सा है कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द अगेन पर्जल फॉर्म में सो फर्स्ट लेटर को अगर हम कंप्लीट करें तो वी आर गेटिंग हेयर बिकॉज ऑफ द कर वी आर गेटिंग हीयर एज अ सी वी आर गेटिंग हीयर एज अ सी तो पहले कौन आएगा फर्स्ट आई एम गेटिंग फिफ्थ फर्स्ट नंबर पे फिफ्थ अरेंज होगा सेकेंड में अगर हम लोग एनालाइज करें सो so यहाँ पे यू या समथिंग जैसा कंप्लीट हो रहा है यू तो दैट मीन्स सेवन्थ यहाँ पे आएगा यहाँ पे ये यह सेवन्थ वाला पोशन आएगा सेवंथ कंप यूज हो गया फिफ्थ यूज हो गया नाउ नेक्स्ट अल्फाबेट में हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा सेकंड फिगर आएगा सेकंड फिगर यहाँ मर्ज हो रहा है एज इट इज़ राइट एलिमिनेट हो गया नेक्स्ट फिगर फोर्थ हमारा यहाँ पे आप सबको प्लियर दिख रहा है सिंपल चीज़ है इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट फिगर थर्ड यहाँ पे मर्ज होगा तो कम मेक द अल्फाबेट तो थर्ड यूज हो गया थर्ड ऑप्शन लास्ट में हमें डायरेक्टली दिख रहा है जी यूज होगा वन तो जी यहाँ पे यूज होगा राइट right? जी यहाँ पे यूज होगा वन एंड उसके पहले डेफिनेटली फिर कौन यूज होगा सिक्स ऑप्शन सो द आंसर इज फाइव सेवन टू फोर थ्री सिक्स वन राइट सिंपल क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन नंबर इलेवन अगेन बेस्ड ऑन द एरिया पार्ट टोटल लेंथ इज टेन फाइव हमें गिवन है सो वट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस गिवेन एरिया सो दिस इज टेन प्लस टेन प्लस टेन राइट दिस इज़ फाइव सो प्लस फाइव दिस इज़ ऑल्सो फाइव प्लस फाइव अब अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें सो आपको ये थोड़ा सा क्लियर है कि ये पार्ट जो कट यहाँ पर है वो यहाँ पे विजुअली कंप्लीट करेगा हमेशा याद रखिएगा रियम्बर एक ट्रिक है और यू कैन से एक पॉइंट है कि एरिया क्वेश्चन में अगर वैल्यू गिवन नहीं है और हमें एनालाइज करके करना है ज़्यादा हम उसमें फॉर्मुला अप्लाई नहीं कर सकते हैं सो इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू द डेसिमल वैल्यू तो पॉइंट फाइव होगा अदरवाइज़ इंटीजर होगा मीन्स चांसेज़ हैं कि वो मैक्सिमम आंसर हमेशा इंटीजर में होगा और डेसिमल में होगा तो पॉइंट फाइव में होगा टेन पॉइंट फाइव फिफ्टीन पॉइंट फाइव लाइक दिस सो ये पूरा यहां पे एज इट इज मच हो रहा है तो ये फाइव तो टोटल तो कितना बन जाएगा पूरा का पूरा टेन सो डेट मीन्स हम टेन ऐड करेंगे सो हयर इट विल बी यू विल गेट द आंसर फिफ्टी राइट यू विल गेट द आंसर फिफ्टी आई होप क्लियर है आप लोग को क्वेश्चन नंबर इलेवन वी गेट द आंसर फिफ्टी राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व X is three times as old as Y was three years ago. So let assume the present age. Present age हमने X and Y assume करी. Now the sentence is X is three times as old as Y was three years ago. मतलब X जो है वो three times है किसका? Y जब तीन साल पहले था उसका. तो Y आज अगर Y year का है तो तीन साल पहले कितने साल का होगा? Minus three. तो X is equals to थ्री टाइम्स ऑफ वाई माइनस थ्री सो इक्वेशन को ओपन करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस नाइन फर्स्ट इक्वेशन नाउ द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर सेवेंटीन ईयर्स वाई विल बी एज ओल्ड एज एक्स इज टूडे 17 ईयर्स के बाद y की है जितनी आज x की है उतना y बन गया तो y कितना हो जाएगा 17 ईयर्स के बाद y प्लस सेवनटीन और किसके इक्वल हो जाएगा x के तो दीज सेकेंड इक्वेशन अब फर्स्ट को सेकेंड में पुट ऑन करेंगे सो इट विल बिकम थ्री वाई माइनस नाइन इज इक्व टू थ्री वाई वाई प्लस सेवनटीन इक्वेट करेंगे सो टू वाई इजिक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सो वाई इज इक्व टू थर्टीन आई एम गेटिंग वाई इज इक्व टू थर्टीन अगर वाई थर्टीन है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी द एक्स बिकम थर्टीन प्लस सेवनटीन थर्टी डोनाउ दे आस्किंग वट इज द सम ऑफ द प्रजेंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई का टोटल एडिशन कितना होगा तो थर्टीन प्लस थर्टीन प्लस थर्टी एड करेंगे दैट इज फोर्टी थ्री तो प्रजेंट एज उनकी आज कितनी है फोर्टी थ्री ईयर्स द प्रजेंट एज इज सम कितना हो जाएगा द बिकम्स फोर्टी थ्री तो इक्वेशन में पास्ट और प्रजेंट के रेस्पेक्ट में आप ट्राई कर रहे हैं कन्फ्यूज करने का तो आपको जस्ट वन टू वन वर्ड इम्पॉर्टेंट है सो इट्स वेरी इजी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इजी क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेज हाउ मेनी टोटल स्टेप्स वी नीड टू यूज़ टू गेट रेड बॉल एट द बॉटम ऑफ आर मुझे कितने स्टेप्स मूव करना पड़ेगा ताकि रेड बॉल मेरा टास्क है कि रेड बॉल को आर के बॉटम में ले आऊँ मैं और एक ट्यूब की मैक्सिमम कैपेसिटी है फाइव बॉल्स को होल्ड करना एक ट्यूब में मैक्सिमम कितने बॉल्स आ सकते हैं टोटल फाइव बॉल्स आ सकते हैं राइट दिस इज द टास्क हमें टास्क कंप्लीट करना है कितने मैक्सिमम स्टेप्स सो पहले में हम क्या करेंगे सिंपल सा हम यहाँ पे क्यू को क्यू को फिल कर देते हैं रेड को सबसे ऊपर लाना है बिकॉज सो so, मैंने क्या किया वन बॉल शिफ्ट किया क्यू में सेकेंड बॉल शिफ्ट किया क्यू में ग्रीन बॉल शिफ्ट किया क्यू में बट हमारा यहाँ पर कोई बेनिफिट हुआ हाँ अभी तक ठीक हो गया हो गया अब थ्री बॉल जब हमारी क्यू में शिफ्ट हो गई बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब जो अगर रेड बॉल को मैं आर में शिफ्ट कर दूंगा तो फंस जाएंगे तो जो थर्ड बॉल है क्यू की मीन्स फर्स्ट बॉल हमने क्यू में शिफ्ट किया सेकेंड बॉल क्यू में शिफ्ट किया और ग्रीन बॉल को मैंने आर में शिफ्ट कर दिया ग्रीन बॉल को आर में शिफ्ट किया नाउ रेड बॉल इन द क्यू तो फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया रेड बॉल को हमने क्यू के टॉप पे ले आए तो P हमारा एम हो गया P हमारा एम हो गया Q के टॉप में रेड आ गया Q के टॉप में रेड आ गया और सब फिल दोनों कम्प्लीटली फिल हैं नाउ वट वी विल डू फोर स्टेप्स हो चुके हैं अब हम R को एम करेंगे R को खाली करेंगे तो फिफ्थ स्टेप सिक्स स्टेप सेवन्थ एट नाइन्थ डेट मीन्स R को पूरा एमपटी कर दिया हमने P को फिल कर दिया R हमारा एम हो गया और पी कंप्लीटली फिल हो गया और रेड कहाँ पर है क्यू के टॉप पर है रेड क्यू के टॉप पर है अब उसको टेंथ स्टेप में हम कहाँ इंसर्ट कर देंगे टेंथ स्टेप में हम आर के बॉटम में ले आएंगे तो टोटल हाउ मेनी स्टेप्स वी रिक्वायर्ड टोटल टेन स्टेप्स वी रिक्वायर्ड टू गेट आर में रेड बॉटम रेड बॉल बॉटम ऑफ द आर टेन स्टेप्स वी रिक्वायर्ड आई होप क्लियर है सिंपल सा क्वेश्चन है राइट right? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हाउ मेनी टोटल राइट एंगल इन द इमेजेस टोटल राइट एंगल ट्राइंगल्स तो वी नीड टू काउंट वन बाय वन थोड़ा सा पेशेंस होकर अगर आप लोग काउंट करेंगे वन बाय वन और नाइन्टी डिग्री पे फोकस करना है आपको क्योंकि हमें बोला गया राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइन्टी डिग्री वाला ट्राइंगल सो नाइन्टी डिग्री पर हमें ज़्यादा फोकस करना है मीन्स स्टार्ट करते हैं कॉर्नर से नाइन्टी डिग्री सो इस कॉर्नर पॉइंट से हमारे पास कितने ट्राइंगल बनेंगे वन ये वन ट्राइंगल ऐसे दिस विल बी द टू सो दो ट्राइंगल हो गए right? इस 90 डिग्री से दो ट्राइंगल बनेंगे राइट इन द सेम वे इस पॉइंट से हमारे कितने बनेंगे तीन ये हो गए चार चार ट्राइंगल हो गए राइट दिस इज़ अ फोर फोर ट्राइंगल हो गए यहाँ पर यहाँ पर कितने बनेंगे फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये भी बनेगा एंड द सिक्स वन आई होप क्लियर है राइट फिफ्थ एंड सिक्स छ हो गए देन उसके बाद इस पॉइंट से कितने परेंगे सेवन राइट यहां पे कितने परेंगे इधर एट एंड टोटल बिग वन नाइन राइट बिग वन नाइन हो गया तो नाइन हमारे हो गया अभी देन उसके बाद हम आते हैं आगे नेक्स्ट कॉर्नर पे यहाँ पर टेन दिस वन इलेवन इलेवन हो गया यहाँ पर राइट नाउ नेक्स्ट नाइन्टी डिग्री पे आते हैं यहाँ पे ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन राइट यहां से देखें तो सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन आई होप सबको क्लियर हो गया हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर टोटल वी ए गॉट द एटीन ट्राइंगल्स सो हाउ मेनी टोटल ट्राइंगल्स आर देयर वी हैव अ टोटल एटीन ट्राइंगल्स नाइनटी डिग्री पर आई होप क्लियर हो गया आप इसको अगेन रिकाउंट कर सकते हैं आप लोग भी टोटल एटीन ट्राइंगल्स आर देयर आई होप क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं व्हाट इज़ द वेट ऑफ द रेड कलर फीस इफ ब्लैक वन इज़ फाइव ग्राम सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द लीवर जो हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया बेस्ड ऑन द लीवर बैलेंसिंग होता है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस एफ वन डी वन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑफ द राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मीन्स आप देखिए ब्लैक वाली फेस का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है वन टू थ्री फोर फोर पॉइंट्स है और यहाँ पे ब्लू वाली फेस का टू पॉइंट है तो इफ़ आई टेक ब्लू एज एक्स तो इक्वेशन क्या बन जाएगी टू इंटू एक्स इज इक्वल्स टू फोर इंटू फाइव तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी टेन दैट मीन्स वेट ऑफ द ब्लू फेस कितना आया टेन आया सो so टोटल यहाँ पे हमारा कितना हो गया टोटल वेट कितना हो गया ब्लू और ब्लैक मिलाकर ब्लू और ब्लैक फेस मिला के हमारा टोटल वेट हो गया फिफ्टीन अब ये ग्रीन और फिफ्टीन बैलेंस्ड है वन टू थ्री वेट डिस्टेंस देखिए सेम है डिस्टेंस इज सेम तो ग्रीन का वेट भी कितना होगा फिफ्टीन तभी बैलेंस्ड होगा बिकॉज डिस्टेंस इज सेम तो फोर्स और वेट भी सेम होता है तो यहाँ पे यानी कि टोटल इफेक्टिव बन गया थर्टी अगेन डिस्टेंस इज सेम सो तो यानी कि ऑरेंज वन इज़ ऑल्सो थर्टी सो तो यहाँ पे इफेक्टिव टोटल हो गया सिक्सटी तो बैलेंस करने के लिए रेड भी कितना होना चाहिए सिक्सटी सो तो आंसर इज सिक्सटी सिंपल क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल वन मिनट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बेस्ड ऑन योर गियर ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ इसको सॉल्व करते हैं इसका साइज है थ्री मैं साइज लिख रहा हूं टू डायमीटर इज वन टू वन थ्री टू नाउ व्हेन वी गिव हंड्रेड आरपीएम पी हंड्रेड आर टू एम गियर तो एन में कितना स्पीड विल इंक्रीज एंड हाउ मेनी टाइम्स इट विल इंक्रीज थ्री टाइम्स सो इट विल बिकम थ्री हंड्रेड फ्रॉम एन टू पी जब एन से पी डायमीटर गियर पे जाएंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी बिकॉज गियर साइज इंक्रीज़ हुआ है और कितना टाइम इंक्रीज हुआ है डबल तो स्पीड हाफ हो जाएगी इट विल बिकम वन फिफ्टी पी बिकम्स वन फिफ्टी तो क्यू भी हमारा वन फिफ्टी हो जाएगा बिकॉज इट्स अ कंपाउंड गियर ये ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया कंपाउंड गियर के बारे में राइट सो क्यू का स्पीड भी हमारा वन फिफ्टी होगा नाउ फ्रॉम क्यू टू आर स्पीड अगेन गॉट डिक्रीज एंड हाउ मच टाइम इट विल गॉट डिक्रीज इट विल डिक्रीज़ बाई थ्री टाइम्स वन टू थ्री डाउ तो इट विल बिकम फिफ्टी हियर फ्रॉम आर टू एस नाउ द स्पीड गोट इंक्रीज बिकॉज डायमीटर डिक्रीज़ हुआ है और कितने टाइम स्पीड इंक्रीज़ होगी थ्री टू जितना रेशियो में डाई मीटर इंक्रीज होता है उसी रेशियो में सो थ्री बाई टू रेशियो ऑफ स्पीड सो इट विल बिकम सेवेंटी फाइव आंसर राइट थ्री इन ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव इज द एंसर तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गियर अगेन इजी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हाउ मेनी टोटल पेंटागर्स स्क्वायर्स एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर वी नीड टू काउंट द स्क्वायर्स ओनली चलिए विजुलाइज करते हैं थोड़ा सा इजी है थोड़ा सा आप कर सकते हैं उसको देखिए ये हो गया फ्रंट काउंट कर रहा हूँ मैं वन स्क्वायर टू थ्री फोर फ्रंट में फाइव राइट आई होप क्लियर हो गया फ्रंट में फाइव आपको बता साथ में बताता जा रहा हूँ कौन कौन सा अब मैं बैक में काउंट कर रहा हूँ जस्ट बैक साइड सो मैं डॉट so, लगा रहा हूँ वन टू थ्री फोर फाइव इमेजिनरी जो बैक साइड में है फाइव फाइव हो गया बैक में अब मैं अगेन वापस फ्रंट में आते हैं अगेन वापस फ्रंट में आते हैं सेकेंड लेयर पर मीन्स फर्स्ट लेयर हमने काउंट कर चुके हैं सेकेंड लेयर सो वन टू थ्री फोर फाइव इन द सेम वे बैक में भी फाइव होगा जैसे फर्स्ट लेयर में फाइव हुआ है तो बैक में जब आप हम एनालाइज करेंगे तो सेम वे इसका सेकेंड लेयर बैक में भी फाइव हो कहाँ पर मैं आपको दिखा करते हैं ये हम बैक साइड का ऑलरेडी हम ये काउंट कर चुके हैं सो दिस इज वन टू थ्री फोर एंड दिस वन इज़ फाइव राइट अब जो हमारा रिमेनिंग पोर्सन है वो है एक्सट्रीम कॉर्नर एक्सट्रीम ये वाला कॉर्नर जो जस्ट कॉर्नर पे अभी हमें दिख नहीं रहा है वो हमें विजुलाइज करना है वो उसको आप विजुलाइज करो अगर सो आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस विल बी द स्क्वायर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे सो यहाँ पर यह स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है तो वन स्क्वायर इन द सेम वे सेकेंड यहाँ पर ये यह देखिए दिस इज़ द थर्ड वन फोर्थ वन फिफ्थ वन सिक्स वन बैक साइड में सिक्स साइड वाला पार्ट हम काउंट करें सेवन्थ एट नाइन टेन सो टोटल काउंटिंग कितने हो गए न टोटल आंसर इज हेयर वी गॉड हमने ये वाला फाइव यहाँ नहीं लिखा था सॉरी तो ये हो गया फ्रंट एंड बैक के दो लेयर्स फिर सेकेंड लेयर सॉरी लिख दिया सॉरी लिख दिया तो आंसर विल भी थर्टी हाउ मई टोटल स्क्वायर्स आर देर इन दिस फिगर वी हैव अ टोटल थर्टी स्क्वायर्स आई होप क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन अगेन सेम प्रॉपर्टी पाइथोकोरस प्रॉपर्टी अब इस पाइथोकोरस में अगर हम लोग ने गिवेन है इफ द रेड कलर रेड इज टेन देन हाउ मच इज़ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द ब्लू हाउ मच सर्कम फ्रेंस ऑफ द ब्लू कंडीशन इज दैट पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एंड पेरीमीटर ऑफ द हेगजगन इज सेम पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एंड पैरीमीटर ऑफ दी हेगजगन इज सेम राइट अब अगर थोड़ा सा इसको हम अगेन डिवीजन पार्ट में जाए वेन हम इसको डिवाइड करें थोड़ा सा सो कैन वी फाइंड आउट दाइट राइट लेट एज्यूम दिस इज एक्स अगर यह एक्स है अगर यह एक्स है सो so डेफिनेटली आप देखिए इसको डिवीजन करेंगे एक्स एक्स सो दिस इज एक्स बाई टू 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 सो यहाँ पे हमारे पास छः पोर्सन है और सेम यहाँ पे एक्स बाई टू आ जाएगा बिकॉज पैरीमीटर सेम है गिवेन है डैट मीन्स आई होप क्लियर हो गया अगर ये एक्स होगा सो इट विल बी द एक्स बाई टू सो हमने उसको रिप्रजेंट कर दिया

1 by 3 of root 3 by 2x and this centroid will be the radius for the circle. This centroid is the radius of the circle, and the radius of the circle is so 1 by the circumference will be 2 pi r. That is 10. So 2 into pi into r that is रूट थ्री बाई सिक्स एक्स इज टू टेन सो एक्स जिकोल टू टेन इंटू सिक्स अपॉन टू पाए इंटू रूट थ्री सो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप आते हैं इस पर से यहाँ पर अब जब आप हेक्जरगन को डिवाइड करोगे प्रॉपर अगर आपको अगर इसको डिविजनल करो आप ऐसे सो so, हमें पता है कि दस एंगल इज़ वन डिग्री तो ये होगा सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री, 60 डिग्री. तो प्रॉपर क्या बनेगा इक्वीलेट्रल ट्रायंगल अगर मैं इस इक्वीलेट्रा एंगल को अगर हम लोग बाहर पिक करें तो इक्वीलेटरल ट्रायंगल को हम बाहर पिक करके आए क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके अंदर अगेन इक्वीलेटर ट्रायंगल बिकॉज इस इक्वीलेट्रल ट्रायंगल का जो हाइट होगा दिस हाइट विल बी द रेडियस ऑफ द हेक्सागन के सर्कल का विल बी द रेडियस ऑफ द हेक्सागन का सर्कल कैपिटल आर उसको बोल दिया तो इसको हम बाहर अलग से ड्रॉ करें तो इस इसवे ट्राइंगल यानी कि ये हो गया हमारा 60 डिग्री 60 डिग्री और ये हमारा कैपिटल आर हमें फाइंड आउट करना है एंड द लेंथ इज गिवन, दिस इज दिस लेंथ इज़ हाउ मच ऑलरेडी हमने भी डिसाइड किया था एक्स बाई टू अगर टोटल एक्स है यहाँ पे एक्स बाई टू आएगा दिस इज एक्स बाई टू तो इक्वेट कर लेते हैं अगर ये एक्स बाई टू है तो हाइट कितना हो जाएगा अगेन इस प्रॉपर्टी तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू इंटू ए डेट इज़ एक्स बाई टू डेट इज़ कैपिटल आर इज इक्वल्स टू रूट थ्री अपॉन फोर एक्स सो आप पुट ऑन कर देते हैं एक्स इस फॉर्मूले में वैल्यूम पुट कर देते हैं कैपिटल आर इज इक्व टू रूट थ्री बाई फोर इंटू एक्स डैट इज़ टेन इंटू सिक्स अपॉन टू इंटू पाए रूट थ्री, सो फ्रेंड्स विल बी टू पाए कैपिटल आर डेट इज सॉल्व करेंगे तो टू इंटू पाए रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल आउट इंटू टेन इंटू सिक्स अपॉन फोर इंटू टू पाए तो टू पाए टू पाए कैंसिल आउट दिस इयर टू थ्री फाइव

उस x से हमने कैपिटल R फाइंड आउट किया और उस कैपिटल R से हमने उसका सरकम फ्रेंस फाइंड आउट कर लिया सो सर्कम फ्रेंस से रेडियस निकाला उस रेडियस से हम दूसरे सर दूसरे हेक्जागन पे एंटर हुए और हेक्जागन से हमने उसका रेडियस फाइंड आउट किया और सरकम मिल गया बट दोनों जगह इक्विलेटल ट्राइंगल इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो इक्विलेटल ट्राइंगल का हाइट एंड एरिया का फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई होप क्लियर हो गया सो दिस इज़ द कम्पलीट पार्ट ऑफ द नेट पोर्सन जो हम लोग का यू सी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में आया था पेपर वॉज ईजी बट टाइम टेकिंग था डेफिनेटली इसका एम सी क्यू एम एस क्यू और ईजी था अगर आप देखेंगे तो यू कैन अटैम्प्ट सेवेंटी परसेंट और एटी परसेंट पेपर ईजली अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल और पेशेंस हो काम करोगे थोड़ा सा प्रिपरेशन करोगे तो यू कैन अटैम्प सेवेंटी टू एटी परसेंट अगर डिफ़िकल्ट पेपर आएगा देन ऑल्सो यू कैन अटैम्प्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ़ द यू सीट पेपर सो इट्स वेरी इजी टू क्रैक द आई आई टी जस्ट यू नीड टू वर्क फॉर दीज टू मंथ्स प्लानिंग करके कि हाउ मच यू नीड टू फोकस्ड सो अपने आप को फोकस करके पेपर सॉल्व करिए उसके कॉन्सेप्ट सीखिए पेपर एनालाइज करिए वट टू अटैम्प्ट वट नॉट टू अटैम्प्ट यह भी इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड प्लीज़ डाउट पूछते रहिए आप ग्रुप में एड नहीं है तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप इसमें लिंक ऐड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा अब वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं सो so, वहाँ पे हम डेली बेसिस पे डिस्कशन करते रहते हैं अबाउट द पेपर एंड क्वेश्चंस तो आप उससे भी अपना बेनिफिट ले सकते हैं सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ एनी डाउट स्टिल यू कैन प्लीज कमेंट एंड मोस्ट वेलकम आप कमेंट करते हैं सो इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर अस कि और क्या आपको हेल्प चाहिए सो वी आर हियर ऑलवेज टू हेल्प यू इन एनी वे आप कोई भी गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू एनी थिंग एनी टाइम वी कैन हेल्प यू राइट सो जस्ट कमेंट आप फ्री हो कमेंट करिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर अपने डाउट्स एंड पेपर को क्रैक करते हैं राइट सो ऑल दी बेस्ट एंड स्टे सेफ एंड बी हैप्पी ऐसे मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए और थोड़ा सा फोकस होके तैयारी करते हैं चलिए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर